आई एम सैनिटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी तैमूर आई लॉन्ग नेम आई केम फ्रॉम अ फैमिली जिसने पाकिस्तान के लिए मेरे वाले इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से नाइनटीन एट में पाकिस्तान आए अपनी सारी फ़ैमिली इंडियन कश्मीर में छोड़ के तो उन्होंने जो हमारी अपब्रिंगिंग की वी वर रेज विद डैट लव फॉर पाकिस्तान सो so, um, वो दिल में वो मोहब्बत थी और um, फिर ये कि आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी आई कैन गिव बैक दिस वॉज समथिंग आई हैड ऑलवेज वॉन्टिड टू डू तो पहले मैं डॉक्टर बनी उससे मैंने जो कुछ किया बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिगर सो मैं दुबई में होती थी तो आई सौ मैं टी वी पर देखती थी टू हजार दो हज़ार पाँच छः में कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं कौन लोग यहाँ को पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं क्या कुछ हो रहा है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी तो मैंने सोचा कि नहीं आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू अपना हिस्सा मैंने डालना है पाकिस्तान में सो so, uh, मैंने अपने हस्बैंड अपने बच्चों को कन्विंस किया कि वी नीड टू गो बैक एंड वी हैड अ वेरी नाइस लाइफ देयर फिर फाइनली इट ऑल हैपन इन 2010 और uh, जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो uh, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ Uh, हमने पहले सोचा एक प्रेशर ग्रुप बनाएं लेकिन वो बात नहीं बनी फिर समझ यही आई कि दी ओनली वे जिससे आप पाकिस्तान में कोई इम्पैक्ट ला सकते हैं दैट इज़ यू हैव टू जॉइन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स uh, में जब मैंने देखा कि कौन कौन है तो मुझे आई कुड ओनली अंडरस्टैंड इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे तो दैट इज़ वाई आई जॉइंट पी इन टू थाउजेंड टेन अक्टूबर सो so, और आज 2022 में आई एम अ सेनेटर विद पी टी आई हैव नो पोलिटिकल बैकग्राउंड आई है डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू सपोर्ट मी आई हैव आई एम अ प्रोफेशनल मैंने सारी ज़िंदगी अपने हाथों से काम किया है आई बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट आई वॉट लॉट्स ऑफ गोल्ड मेडल्स आई वॉज यू नो एक्डेमिकली वेरी ब्राइट और प्रैक्टिकली भी मेरी uh, तीन स्पेशल्टीज हैं मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हैं मेरी छः सात तीन डिफरेंट में तो बट यू नो एज अ वूमन इन पॉलिटिक्स आई फील के वैसे एज अ वूमन हमें बहुत सारे ऑबस्टिकल ज़िंदगी में जब भी हम कोई प्रैक्टिकल काम करते हैं तो हमें हमारी जेंडर का बहुत ज़्यादा हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है प्रैक्टिकल लाइफ में बिकॉज अल्लाह ताला ने तो मर्द और, और औरत बराबर बनाए हैं बराबर गुनाह मिलता है बराबर सवाब मिलता है लेकिन दुनिया क्योंकि एक पेट्रियाल सोसाइटी है इसमें एक खातून होने के नाते जब आपको अपना अपना लोहा मनवाना होता है या आपने आ, कुछ अचीव करना होता है तो उसमें कंपेयर टू एक मर्द के कंपैरिजन में आपको मेरा ख़्याल है पाँच छः या दस गुना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हम क्योंकि ही पैदा हुए हैं तो हम शुरू से इसी इसी माइंड सेट के साथ हैं सो इट हैज़ नेवर बॉदर्ड मी आई I मैंने mean, सारी ज़िंदगी मर्दों के साथ काम किया आई वर्क विद एटी नेशनैलिटीज़ आई वर्क इन थ्री कॉन्टिनेंट्स तो इट्स नॉट समथिंग दैट चैलेंज इज मी लेकिन जो दूसरे हमारे पाकिस्तानी जो मर्द हजरात होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है उनको समझ नहीं आती कि ये हाउ कैन शी बी सम जो हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होगी या हमारे से इक्वल है या क्योंकि हमारे मुल्क में मुझे लगता है हो सकता है गलत लगता हो मुझे ये लगता है कि हम खातन को एज़ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं ख़ातून एक खूबसूरती की चीज़ है और उसको हम उसी जगह पर रखना चाहते हैं आई कैंडी है उसके अलावा उसके अलावा कुछ और देने के लिए हमारी सोसाइटी ख़ातन को बहुत ज़्यादा खुशी से नहीं देती बावन फ़ीसद हमारी आबादी का ख़ात है और कायद अजम ने भी कहा था कि जब तक ख़ात और मर्द इकट्ठे काम नहीं करेंगे और ये एक हकीकत है जो पूरी दुनिया में है जब तक ख़वाीन और मर्द शाना बशाना काम नहीं करेंगे इस मुल्क की कभी तरक्की नहीं हो सकती तो ये एक हकीकत है जो हमारे कौम के लोगों को पहचाननी चाहिए पॉलिटिक्स uh, में खातन के लिए ऑबियसली बहुत सारे ऑबस्टिकल्स होते हैं बट आई थिंक मैं ऑबस्टिकल से ज़्यादा इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं बहुत बड़ा गैप है बहुत कम खातन हैं जो पॉलिटिक्स में आती हैं और जो हमें एक परसेप्शन होती है ना पढ़ी लिखी या मुतवास तबके की खुतिन को कि ये गंदा काम है इसमें अच्छे लोग नहीं आते इसमें आपकी कैरेक्टर आप असैसिनेशन होती है तो मैं ये महसूस करती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद उस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ मेरी कोई मतलब फैमिली कहीं दूर दूर से सियासत में नहीं थी लेकिन मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है मैंने अपने आप को हमेशा अपनी इज़्ज़त लेके चली हूँ Uh, मर्दों के साथ सड़कों पे मोटरसाइकिलों पे बैठी हूँ और हर किस्म के बड़े मतलब एडवेंचरस काम किए लेकिन अपनी इज़्ज़त लेके ये सिर्फ सियासत में सियासत के अलावा भी जो भी काम किया है एज़ अ डॉक्टर या जो भी एज एन एक्टिविस्ट काम किया है मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी कोई एडवांटेज ले सकता है क्योंकि अगर मैं ख़ुद मेरे मुंह में ज़बान है मेरे दो हाथ हैं मेरी आंखें हैं मैं अपना मैसेज दूसरों को बता सकती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या नहीं करना चाहती अगर मेरी बाउंड्रीज़ क्लियर हैं तो कोई मेरी एडवांटेज नहीं ले सकता सो आई थिंक ख़ात के लिए मेरा ये पैगाम होगा कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑबस्टिकल्स कितने हैं आपको ये सोचना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं पॉलिटिक्स में ख़वान की बहुत बड़ी जगह है क्योंकि इस वक्त हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें सत्रह फ़ीसद ख़वान रिज़र्व सीट्स पर आती हैं वैसे खातिन बावन फ़ीद हैं हमारी आबादी का तो आप देखिए कि ये रफली तीस पैंतीस बिटवीन थर्टी परसेंट आपकी पॉपुलेशन है जो अनरिप्रजेंटेड है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि कम से कम तीन फ़ीसद या पाँच फ़ीसद ख़वान को जनरल इलेक्शंस में खड़े होना चाहिए और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस खातून को खड़ा करें क्योंकि खातन हैं ही नहीं जो इस काम में आगे आए तो आपको मैं ये तो बिल्कुल वसूख से कह सकती हूँ कि अगर आप आज डिसाइड करें कि आपने पॉलिटिक्स में आना है और उसके लिए जो भी तैयारी करनी है और वो वो कोई भी काम आप करेंगे उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी स्ट्रगल भी करना पड़ेगा लेकिन मैं आपको बता दूँ देर इज़ ऑलवेज स्पेस एट द टॉप इन एनी फील्ड एंड फॉर वेमेन बिकॉज इतना बड़ा गैप है तो जगह है आप आइए वी नीड मोर पीपल जो पाकिस्तान की खातान को रिप्रजेंट कर सकें और इसमें पढ़ी लिखी खवतान गैर ख्वानदा खतान शहरों की खातानी गाँव की खातान जो औरतें ख़ुद काम करती हैं रेहड़ियाँ लगाती हैं रिक्शा चलाती हैं जो लेक्चरर्स हैं जो टीचर्स हैं जो स्पेशल लोग ट्रांसजेंडर ख़वान में तो नहीं आते मगर वो भी हमारे तो सोसाइटी के वो सब लोग जो रिप्रेजेंटेड नहीं हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनको सियासत में आगे आना चाहिए और अपने हकूक़ की जंग लड़नी चाहिए और मैं आपको बताऊं जब आप किसी चीज़ को अज़म से करते हैं आप उसके लिए खड़े होते हैं तो शुरू में थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है उसके बाद सब कुछ बैठ जाता है क्योंकि ये दुनिया में बहुत झूठ और फरेब है और जब सच्चाई खड़ी होती है सच्चाई के आगे झूठ और फरेब झाग की तरह बैठ जाता है सो so, और आप हमने ये भी देखा है कि दुनिया में ख़वातीन जब काम करती हैं तो हैव अ लॉट टू गिव खास तौर हमारे मुल्क में नंबर एक ख़वातीन सिस्टम का हिस्सा नहीं है इसलिए हम नई नज़र से मसलों को देखते हैं नंबर दो ये कि खवतान जहाँ जाती हैं कंपैशनट होती हैं उनके अंदर एक दर्द दिल होता है इंसानियत के लिए सोचती हैं लोगों को का कत् आम या लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करनी इतनी आसान नहीं होती खवतानी के लिए मर्द ज़रा सख्त दिल होते हैं ख़वान ज़रा नरम दिल होती हैं फिर ये कि खुवान क्योंकि उन्हें आदत होती है डिप्लोमेसी काफ़ी करती हैं काफ़ी अपना काम करवाने के लिए बहुत से मीठे तरीके से बात करती हैं तो बहुत से कम का मुश्किल काम हो जाते हैं और दुनिया में ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि ख़वातीन जब ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करती हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज लाती हैं करप्शन कम होती है और लीडरशिप लेके आती हैं सो आई रियली थिंक पाकिस्तान जिसका छियासठ फ़ीसद इस वक्त तीस साल से कम उम्र का है और इस छियासठ फ़ीसद में से चौंतीस फ़ीसद ख़वातीन हैं तो हमारी बच्चियों को हमें ग्रूम करना चाहिए हमारी जो यंग स्कूलों कॉलेजों में लड़कियां हैं उनको हमें इनक्रेज करने की ज़रूरत है कि वो डॉक्टर टीचर और बाकी प्रोफेशंस के साथ पॉलिटिक्स को एज़ अ प्रोफेशन अपनाएं और इसमें खड़ी होकर सच्चाई के साथ ज़ाती मफाद से आगे बढ़ के क्योंकि अगर अगर आप सियासत में सिर्फ जाती मफाद को लेके चलते हैं ना तो फिर सारा आपका पर्पस वो ख़त्म हो जाता है ज़ाती मफाद के लिए जब आप काम करते हैं तो ना आप में सच्चाई रहती है ना आप में कोई आ, ऐसी मोटिवेशन होती है कि लोगों को आप इंस्पायर करें अब दुनिया इस मोड पे पहुंच गई है कि हमें इंस्प्रेशन की ज़रूरत है और हमें ख़वात फ़िगर्स की ज़रूरत है जो इंस्पायर कर सकें लड़कियों के लिए मेरी क्या एडवाइस है कि वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें पॉलिटिक्स में आने के लिए तो सबसे पहले तो आपने बोलना है क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट ओपिनियंस इट इज़ ऑल अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर इश्यूज इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए सो so, लड़कियां अपनी आवाज़ बुलंद करें अब तो सोशल मीडिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर आप अपनी ओपिनियन दें और अपनी बात करें और बात करना सीखेंगे जब आप बात करनी शुरू करेंगे तो आप खुद ही सीख जाते हैं कि कैसे आपने अपनी बात को मोल्ड करना है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें और उनको हज़म भी हो जाए सो बात करनी सीखें अपनी ओपिनियंस फॉर्म करें चीज़ों के बारे में ये नहीं कि मिट्टी पा दो जाने दो तो ना हर चीज़ पर ओपिनियन फॉर्म करें और अपनी ओपिनियन को वोकलाइज करें और जिस भी इदारे में आप हैं खा आप घर में हैं ख़ा आप स्कूल में हैं खा आप काम करते हैं हर जगह अपनी ओपिनियन दें कि ये काम सही है ये काम गलत है मैं इससे एग्री नहीं करती ये यूँ क्यों है सवाल पूछें क्यों ये यूँ हो रहा है जब आप सवाल पूछेंगे जब आप अपनी ओपिनियंस देंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप करेगी और आपके लिए आगे के रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे और इंगेज करें लोगों को इंगेज करें अपने साथ लोगों को जोड़ें जो आपके साथ अकेला आदमी चलते हुए एक नज़र आता है दस आदमी हो तो उसकी एक बड़ी ताकत होती है बड़ी पावर होती है अपने साथ लोगों को मिलाएँ और आवाज़ उठाएं रास्ते अल्लाह ताला खुद बना देता है जब आपकी नीयत होती है तो रास्ते ख़ुद ही खुलने शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में बहुत जगह है इस जगह को भरें आके इस जगह को ऑक्यूपाई करें और आपका रास्ता खुद ही अल्लाह ताला बना देगा